हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट सेकेंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकेंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया है। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ हमने सारी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा, लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है। अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर में चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारे मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है, लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट सेकेंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकेंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया है। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ हमने सारी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा, लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है। अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर में चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारे मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है, लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर